किसान भाइयों नमस्कार, खेती किसानी में आपका स्वागत है। मेरे किसान साथियों, आज के वीडियो में हम एक ऐसे सीड की बात करने जा रहे हैं, एक ऐसे सीड के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि सिंजेंटा कंपनी का है, जिसको हम कीमिया नाम से जानते हैं। कीमिया क्या है, कीमिया को हमें कब लगाना चाहिए, कीमिया को लगाने में हमें क्या बेनिफिट है, और कीमिया को अगर हम सही तरीके से खेती करते हैं तो कितना मुनाफा कमा सकते हैं। मेरे किसान साथियों, अगर हम बात करें तो सिंजेंटा कंपनी के जितने भी बीज आते हैं मार्केट में, आप लोग तो जानते ही होंगे, नंबर वन की क्वालिटी है और नंबर वन के बीज आते हैं। तो मेरे किसान साथियों, अगर हम बात कर लेते हैं अगर सिंजेंटा कंपनी की कीमिया की, तो कीमिया देखिए एक ऐसी वैरायटी है जो आप बरसात के समय में लगा सकते हैं। लगभग 15 जुलाई के बाद उसकी नर्सरी आप डाल सकते हैं। 15 जुलाई के बाद पूरा अगस्त महीना आप नर्सरी डाल सकते हैं। 15 सितंबर तक कीमिया की नर्सरी आप डाल सकते हैं। मेरे किसान साथियों, एक हाइब्रिड सीड है और हाइब्रिड सीड होने के नाते वो 55 से 60 दिन में, मतलब हार्वेस्टिंग योग्य हो जाता है, 55 से 60 दिन में वो तैयार हो जाता है। तो मेरे किसान साथियों, अगर गोभी की खेती कर रहे हैं तो आप कीमिया को एक बार आजमाइए। मेरे किसान साथियों, अगर नर्सरी डालने की उसकी बात करें तो नर्सरी आप, ये अगस्त का महीना चल रहा है, अगस्त के पूरे महीने में आप जब चाहें तब उसकी नर्सरी आप डाल सकते हैं। अगस्त के बाद आज 15 सितंबर तक उसकी नर्सरी डाल देंगे। उसे ट्रांसप्लांट अगर कर देते हैं तो मात्र ट्रांसप्लांट करने के मात्र 55 से 60 दिन के अंदर हार्वेस्टिंग करने योग्य हो जाता है। अगर हम उसकी फूल की फ्लावर की बात करें तो फ्लावर में आप देखेंगे कि वो सफ़ेद, जो सफ़ेद रंग का होता है, गुम्बद कलर का, उसका जो गुम्बद होता है वो सफ़ेद कलर का होगा और हल्का सा क्रीमी होगा, बाकी सफ़ेद होगा। और वजन की बात करें तो लगभग 500 ग्राम से लेकर 1 kg तक वह वजन आसानी से पकड़ सकता है। मेरे किसान साथियों, अगर हम बरसात के मौसम है, बरसात के मौसम में अगर हम उसको लगाते हैं तो जो उसकी टेम्परेचर है, जो बारिश के पानी के सहने की क्षमता है, जो फंगस से लड़ने की क्षमता, उसकी प्रतिरोधक क्षमता जो है वो बहुत ही अच्छी है बरसात के समय के लिए। अगर आप गोभी की खेती कर रहे हैं तो जो हम जिस वैरायटी की बात कर रहे हैं सिंजेंटा की, एक बार जरूर लगाएं, एक बार जरूर आजमाएं। और अगर आप सक्सेस होते हैं तो समझ जाइएगा कि 1 एकड़ में अगर आप 15 से 18 हज़ार पौधे लगाए हैं तो 15 से 18 हज़ार में आप कम से कम, आप उसका उत्पादन की अगर हम बात करें तो उत्पादन आप आसानी से आप ले सकते हैं। कम से कम आप लगभग लगभग 100 से 125 क्विंटल, मतलब 100 से 125 क्विंटल आप आसानी से ले सकते हैं। और 100 से 125 क्विंटल की अगर एवरेज पकड़ा जाए तो आप अच्छा खासा आप पैसे कमा सकते हैं, अगर बीज का हिसाब किताब भी मार्केट में सेल हो गया तो। मेरे किसान साथियों नमस्कार, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी।